हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नए वीडियो में। सो दोस्तों, आज यहाँ पे क्यू एन ए रिलेटिव होगा। जैसा कि आज यहाँ हम क्यू एन ए 4 बता चुके हैं, अब यहाँ पे क्यू एन ए 5 बताऊँगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जो भी कमेंट करते हो उनका यहाँ पे रिप्लाई दिया जाए, ये आप लोगों का हक है इस चैनल पे। सो दोस्तों यहाँ पे मैं भी आप लोगों के लिए ही वर्क करता हूँ, आप लोगों के आंसर जो भी हैं उनका यहाँ पे रिप्लाई कर पाऊँ जो भी क्वेश्चन करते हो। तो दोस्तों यहाँ पे क्यू एन ए 5 स्टार्ट करते हैं। सो क्यू एन ए 4 जो था यहाँ पे आप लोगों का समाप्त हो चुका था, क्यू एन ए 4 यहाँ से स्टार्ट होता है। अगला कमेंट यहाँ पे अनिल गेमिंग की, सर मैंने पूछा था कि आधार कार्ड में और यहाँ पे बैंक में एक ही नंबर लिंक होना चाहिए क्या, और रिन्यूअल वालों को क्या भरना, गत वर्ष के रिजल्ट में क्या भरें, मेरा सब सही दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको मैं आप लोगों को बता दूं, तो अनिल गेमिंग जी को हम बताना चाहेंगे कि आपका प्रोसेस ये है कि आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आधार से, ठीक है। आधार लिंक होना चाहिए बैंक से। अगर जो आपका मोबाइल नंबर सेम नहीं है बैंक से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को सेम मोबाइल नंबर बैंक में भी यहाँ पे अपडेट करवा लेना है, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत वाली होने वाली कोई बात नहीं है कि आपका यहाँ पे बैंक में सेम नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो है सेम होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो और जो स्कॉलरशिप फॉर्म भरे उसका सेम होना चाहिए, ठीक है, ये प्रोसेस है। और यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ रिन्यूअल वालों के यहाँ पे गत वर्ष में रिजल्ट में क्या भरें। तो आपका रिजल्ट जो है गत वर्ष में जो भी आप लोग पास हुए हो तो पास भरिए, उसके बाद आप लोगों को गत वर्ष का यहाँ पे जो है जो भी पिछली कक्षा है उनके आप लोगों को नंबर भरने होंगे। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो अंडर ग्रेजुएशन में तो आपको इंटर के मार्क भरने होंगे, अगर सेकंड ईयर में ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो तो आपको फर्स्ट ईयर के मार्क भरने होंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको भरना है अनिल गेमिंग जी। और नीचे भी कमेंट काफ़ी हैं, इनकम सर्टिफिकेट 2017 का है तो चेंज करना पड़ेगा, BML रोक, तो BML रोक को हम बता दें, इनकम सर्टिफिकेट अगर जो आपको रिन्यूअल फॉर्म है तो आपको यहाँ पे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, आपका पिछला ही लगेगा, इंस्टीट्यूट पिछला ही ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे नितांशु जायसवाल, आधार कार्ड का मोबाइल नंबर और बैंक का मोबाइल नंबर सेम होने का जवाब मिल जाए तो हमें भी बता देना। तो यहाँ पे हम ऊपर जवाब दे चुके हैं मानसू जायसवाल जी, ठीक है। और यहाँ पे भाई बिल्कुल, तो यहाँ पे काफ़ी कमेंट किए हैं तो हम दे चुके हैं इनको जवाब। अगला कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, आलोक राव, सर जी रिन्यूअल फॉर्म भरने के बाद उसी का फ्रेश कैसे भरेंगे। तो आपका रिन्यूअल फॉर्म है, अगर जो आप फ्रेश का भरोगे तो आपको फ्रेश सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद में आप लोगों का सेम प्रोसेस होता है, सेम में बस ये है कि आपका फ्रेश में बस ये है कि आपको शुरू से डिटेल भरने होते हैं, तो आप पूरा शुरू से डिटेल भर लीजिए, फ्रेश में बस यही होता है, ठीक है। तो आपको फ्रेश अपना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे अगला कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, हेमंत लवन्या, ब्रो हो गया अनब्लॉक फॉर अमन कुमार सिंह, डेली की तरह लॉगिन करके अनब्लॉक वाला ऑप्शन चेक किया मैंने तो मेरा अनब्लॉक हो गया। तो आपने जब अपडेट किया होगा तो कुछ समय बाद आप लोगों का यहाँ पे अनब्लॉक हो जाता है, 7 दिन में या 5 दिन में, ठीक है। तो इनका हो गया होगा, ठीक है, तो अच्छी बात है। उसके बाद दुष्यंत चौहान, सर मैंने वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली की जगह CGPA फिल कर दिया, इसे कोई प्रॉब्लम होगी क्या। तो आपने वर्ष अंक प्रणाली की जगह CGPA तो भर दिया है, लेकिन आपको आगे जो स्कॉलरशिप वाले फॉर्म आप इंस्टीट्यूशन में जमा करोगे वही कहेंगे कि आपने CGPA क्यों भर दिया, आपका तो वार्षिक अंक प्रणाली है। तो आपको वैसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि अगर जो आपकी छात्रवृत्ति रुक जाए, लेकिन आपको आगे कुछ यहाँ पे गलतियों का या फिर कुछ जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है दुष्यंत चौहान जी। तो आप अगर जो
फाइनल प्रिंट कर लिया है तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट आपकी स्कॉलरशिप नहीं रोकी जाएगी दुष्यंत चौहान जी। अगला कमेंट बाबू मौर्या, लव के बाद कुछ एडिट हो सकता है कि नहीं? अगर जो आपका लॉक हो चुका है फॉर्म तो आपका एडिट अभी होगा, ठीक है। अगर जो आपने फाइनल प्रिंट नहीं किया है, फाइनल प्रिंट कर दिया है तो आपका यहाँ पे जो है कुछ भी एडिट नहीं हो पाएगा। टेक्निकल नीड है सर, फाइनल लॉक नहीं हो रहा है, क्या करें, वी आर सॉरी आ रहा है। तो आप रात को ट्राई करो तो आपका हो जाएगा, टेक्निकल नीरज जी। अगला कमेंट, थैंक यू सर, एनआईओएस संघ कुशीनगर यूपी, तो इनको मोस्ट वेलकम। अगला कमेंट नितांशु जायसवाल, आधार का मोबाइल नंबर और बैंक का मोबाइल नंबर सेम होना जरूरी है? ऐसा कोई नोटिस आया है क्या समाज कल्याण विभाग से? प्लीज इसे कन्फर्म कर बताइए। देखिए, ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, नोटिस ये जरूर आया है कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, आपका आधार लिंक होना चाहिए बैंक से, ना कि आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए बैंक से, ठीक है। आपका सिर्फ आधार लिंक होना चाहिए, ये प्रोसेस है। अगर जो आपका कोई भी यहाँ पे बैंक में मोबाइल नंबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हिमांशु जायसवाल जी, नितांशु जायसवाल जी, उसके बाद अभिषेक चौहान, ओके थैंक यू, तो उनको वेलकम। अगला कमेंट आकाश राठौरी जी, राठौरी जी, मैंने फोटो कॉपी वाले सेट की पीडीएफ बनवा दी गलती से, तो अब उसमें एफिडेविट फोटो वाला है, कोई दिक्कत तो हो सकती है क्या? तो आकाश राठौरी जी, हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं कि आपका यहाँ पे जो फोटो कॉपी हमने दिया था उसका आप लोगों को यहाँ पे जो है ओरिजिनल लगाना था, ठीक है। यहाँ पे आपका एक फोटो कॉपी ओरिजिनल या एक फोटो कॉपी चलेगा, एक ओरिजिनल चलेगा। जो एफिडेविट है, अगर जो आपने ओरिजिनल लगाया होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर जो आपने फोटो कॉपी दोनों में लगाया है तो दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है आकाश राठौरी जी। उसके बाद अर्पित कनौजिया, सर नॉन रिफंडेबल का क्या मतलब है? मैं बीकॉम में हूँ, मेरा और भी अभी कॉलेज भी बंद हो है, तो क्या सर मैं क्या करूँ, फॉर्म किस तरह भरूँ? तो नॉन रिफंडेबल आपको होता है यहाँ पे आप लोगों की फ़ीस कॉलेज की, ठीक है। एक ट्यूशन फीस होती है, एक नॉन रिफंडेबल फीस होती है। तो नॉन रिफंडेबल जो फीस होती है ट्यूशन फीस से ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर जो आप लोगों की सपोज 50,000 ट्यूशन फीस है तो नॉन रिफंडेबल आपकी 56,000 से 60,000 तक होगी, ठीक है। नॉन रिफंडेबल आपकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप अपने कॉलेज में मालूम करिए, या तो आप ईमेल चलाते होगे तो आप ईमेल पे जो कॉलेज वाले हैं वो कांटेक्ट कर रहे हैं, नॉन रिफंडेबल मेरी फ़ीस कितनी है, ट्यूशन फीस कितनी है। तो आप अर्पित कनौजिया जी अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करिए, मोबाइल नंबर होगा कुछ भी होगा तो आप, या फिर कॉलेज में जाइए तो आप नॉन रिफंडेबल मालूम करके अपने उस स्कॉलरशिप फॉर्म में भर दीजिए। अर्पित कनौजिया जी फिर से, सर इस बार कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं हुए है और सब लोगों को प्रमोट कर दिया गया है, तो उस ऑप्शन में क्या फिल करूं? तो आपको प्रमोट किया है तो आप प्रमोट भरिए, ठीक है, और अपने नंबर भर लीजिए। सर अभी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिली है, नेट वाली है पर उसमें रोल नंबर है केवल। सर एडिट कार्ड में इनरोलमेंट नंबर दिया है गया है तो क्या करें? आपकी अगर जो ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिली है तो आप फोटो कॉपी भी चल जाएगी, ठीक है। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनरोलमेंट नंबर दिया है वो भी भर लीजिए अर्पित कनौजिया। उसके बाद अगला कमेंट सुधा सिंह, सर मेरा भाई बीएड सेकेंड ईयर में हूँ तो मुझे प्रमोट में ग्रेजुएशन की डिटेल ही तो भरनी है। अगर जो आप बीटेक सेकेंड ईयर में हो तो आप प्रमोट हुए हो तो आपको प्रमोट भरना है, उसके बाद आपके मार्क भर लेने हैं सुधा सिंह जी, ठीक है। अगला कमेंट ब्रिजेश कुमार, सर रिन्यूअल करने के बाद 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, क्या करें?
तो आपका अगर जो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है तो आपको क्या करने की आवश्यकता है हम आपको बता दें। तो आप ऐसा करिए, आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलना चाहिए। मैं पहले ही से बताता था कि यहाँ पर जब भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे अप्लाई करो तो आपको क्या करना है, पिछला रजिस्ट्रेशन जो 19-20 का है वो यहाँ पे फॉरगेट करके पहले तो अपना जो है पासवर्ड चेंज कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 19-20 का नंबर डाल के आप लोगों को 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ब्रजेश कुमार जी, ठीक है। आप फॉरगेट करके उसमें आप डालिए, उसके बाद आपको मिल जाएगा। सोहन शर्मा, सर इनकम सर्टिफिकेट चेंज नहीं हो रहा। तो इनकम सर्टिफिकेट जो है रिन्यूअल वालों का नहीं चेंज हो रहा है, उनका पिछला ही चल रहा है, 2017 का ही अगर जो आपका एक्सपायर हो चुका है वही चलेगा। अगला कमेंट अमन सिंह, अगर 9th क्लास का फॉर्म भरा हो तो क्या 10th क्लास के न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा या रिन्यू करना होगा? तो अगर जो आपने 9th में रजिस्ट्रेशन किया है फ्रेश, तो आप लोगों को 10th का जो है न्यू नहीं करना होगा, आपको रिन्यूअल करना होगा, ठीक है। आपको रिन्यूअल ही करना पड़ेगा अमन सिंह जी, ठीक है। अगला कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कमेंट है यहाँ पे जीविक, सर रजिस्ट्रेशन नंबर 2019-20 का सेम ही डाल रहा हूँ पर गलत बता रहा है बार बार। तो आपका 19-20 में जो रजिस्ट्रेशन है, आप ऐसा करिए उसका पहले पासवर्ड चेंज कर लीजिए, फिर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए तो आपका हो जाएगा। अगला कमेंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे सीमा पटेल, सर डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच किया आधार की, प्लीज़ डिफरेंट आंसर गिव मी नोट बाई बाज वीडियो ओनली बार ही किया है, अभी एक बार किया है। तो हम आपको बता दें, अगर जो आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रहा है आधार की, तो आप जब ऐसा करिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ आधार में मैच करवा लीजिए, अपनी डेट मार्कशीट से अपडेट करवा लीजिए जनसेवा केंद्र से, सीमा पटेल जी, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब अपडेट हो जाए उसके बाद अप्लाई करिए तो आपका हो जाएगा सीमा पटेल जी, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगली कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तरुण कुमार, सर फॉर्म में संशोधन नहीं हो रहा है, अगर फाइनल सबमिट किया होंगे तो संशोधन नहीं होगा, वेट कीजिए करेक्शन डेट आता है तब कर लीजिएगा। तो आपका संशोधन नहीं हो रहा है, तो आप अपना जो इनकम सर्टिफिकेट चेंज कर रहे हो तो वो नहीं होगा, पिछला ही चल रहा है अगर जो आपका रिन्यूअल फॉर्म है, तरुण कुमार जी। अगला कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। विष्णु कुमार मोंडनवाल, प्रमोट स्टूडेंट क्या फिल करें गत वर्ष वाले में? तो आपका प्रमोट हो चुका है तो प्रमोट फिल करके आपको नंबर भर लेना है, नंबर मिले हैं, अगर जो नहीं मिले तो भरने की आवश्यकता नहीं है। अगला कमेंट यहाँ पे बढ़ते हैं फर्स्ट व्यूवर, और अगला कमेंट बढ़ते हैं अनिल गेमिंग जी, सेम यही प्रॉब्लम है सर, मेरा अपडेट दिखा रहा है, सब मैंने ऐसे ही किया है तो आ जाएगा क्या? और ये बताओ कि बैंक में और आधार कार्ड में एक ही नंबर होना चाहिए क्या? प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाओ जानकारी लेके। तो हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ। देखिए हम आपको रिप्लाई कर चुके हैं अनिल। उसके बाद अगला कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अंकित शर्मा, मेरा ब्लॉक हो गया है, चेंज दिखा नहीं रहा है, प्लीज़ हेल्प मी रजिस्ट्रेशन नंबर रिन्यूअल क्लास 11th OBC। तो इनका ब्लॉक हो चुका है, इनने अपडेट किया होगा आधार, तो इस कारण इनका ब्लॉक हो चुका है। तो आप वेट कर लेना है अंकित शर्मा जी कुछ टाइम के लिए, तो आपका इन अनब्लॉक हो जाएगा 7 दिनों के बाद। अगला कमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला कमेंट जो है EC30 मोहित, स्कॉलरशिप की साइड में इनकम एंड कास्ट चेंज नहीं हो रहा है,
वी आर सॉरी लिखा आ जाता है, और तुम पता नहीं उस टॉपिक पर वीडियो भी नहीं बना रहे हो। स्टूडेंट बहुत परेशान है, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो इसका वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे EC30 मोहित जी। तो मैं समझ सकता हूँ जो इनकम सर्टिफिकेट है और कास्ट सर्टिफिकेट वो चेंज नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को फाइनल प्रिंट कर लेना है और अपने इंस्टीट्यूट में पता करना है, जो पिछला 2017 का इनकम सर्टिफिकेट है वही चल रहा है, ठीक है। सब जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, इनकम सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल या फिर आप लोगों का जात प्रमाण पत्र, तो वही चल रहा है, पिछला ही चलेगा। तो आप अपना प्रिंट कर लीजिए। आई होप आपको यहाँ पर जवाब मिल चुका है। अगली कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। गौरव, हेल्प सेंटर भाई लोगों, एपिल लिया मैंने 3 दिन कंटिन्यू, समाज कल्याण और CM योगी जी को ट्वीट किया और रिक्वेस्ट की कि 3 और अटैम्प्ट दिए जाए। सो कल से 72 hours के बाद 3 अटैम्प्ट मिलने वाले हैं। जिसे यकीन ना हो तो गौरव मेल पर प्रूफ देख सकता है। तो ये जो है 72 घंटों बाद आप लोगों का यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को बता दें, ये तो न्यूज पहले से ही आ चुकी है, जैसा कि हम आपको अपडेट कर चुके हैं, 3 chances और मिलने की, तो आपको मिलेंगे। जिनको भी नहीं मिले हैं, तो जिनको मिल चुके हैं तो उनको अच्छी बात, जिनको नहीं मिले तो उनको मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर EC30 मोहित जी, तो इनको हम जवाब दे चुके हैं। और यहाँ पे चंद्रा प्रकाश, अगर 9th में फॉर्म भरा हो तो 10th में न्यू रजिस्ट्रेशन भरना पड़ेगा, रिन्यूबल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो हाँ बिल्कुल, आपको रिन्यूबल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बिल्कुल। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जीपी ज्ञान, सर IM BTech स्टूडेंट, आई डिड नॉट फील प्रीवियस ईयर स्कॉलरशिप फ्रॉम, सो हाउ टू do renewal registration this year because I don't have a previous year registration number. Please tell me how to do renewal registration number this year. इनको हम जिप्पी ज्ञान जी को बता दें कि आप ऐसा करिए, आपने पिछले ईयर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो फॉर्म नहीं भरा है, तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं मिला होगा। तो आप जो है यहाँ पे वर्तमान में जो भी आप ईयर में हो, तो आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे प्रेस करिए, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। दीप्ति ज्ञान जी, अगला कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सर कोर्स सेलेक्ट नहीं, ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो हैदर अब्बास जी, हम आपको बता दें, जो ये ऑप्शन है काफ़ी स्टूडेंट परेशान है, आप अपडेट करिए या तो जांच हेतु आप यहाँ पे जब करोगे सेलेक्ट, तो आप लोगों का आ जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट का आ रहा है, काफ़ी का नहीं आ रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ। आप अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को आगे बढ़ाइए, आप भरिए, जांच हेतु करोगे तो आपका आ जाएगा। यहाँ पे कृष्ण शर्मा, सर हमारी मार्कशीट में इनरोलमेंट नंबर तो है ही नहीं। आपकी मार्कशीट में इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो ऐसा हो नहीं सकता आपका, या तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आपका, या फिर अंडर ग्रेजुएशन में तो इनरोलमेंट नंबर होता है। अगर जो आपका नहीं है तो आप यहाँ पे ढूंढिए मार्कशीट में, तो आपका मिल जाएगा। अगला कमेंट के तरफ बढ़ते हैं। ममता कुमारी मोंडलवाल, सर आय जात नहीं बदल रहे हैं। तो आय जात जो है ममता मोंडल कुमारी जी, तो हम आपको बता दें पिछला ही चल रहे हैं 2017 के। अगर जो आपका रिन्यूअल फॉर्म है, अपने आप इंस्टीट्यूट में मालूम करिए, उसमें यही बता रहे हैं, तो आपका पिछला ही लेंगे, ठीक है। अमित सोनी, थैंक भाई, कीप इट अप, तो इनको वेलकम करते हैं। मुकेश कुमार, अब एक क्लिक करके स्टेटस दिखा, तो स्टेटस जो है आ रहा है, तो ऐसे आप देख सकते हो, वो वीडियो बनाया था, आराम से देख सकते हो, ठीक है। अगला कमेंट अथर्मी, थैंक्स ब्रो, वेलकम इनको करते हैं। अगला कमेंट रितनीश कुमार, भाई 11th के रिन्यूअल फॉर्म में मेरा पास 2 इसे फॉर्म आए हैं, जिनका आय आवेदन और जाति का भी आवेदन क्रमांक की जगह लॉक है, माउस क्लिक ही नहीं करता, और पंजीयन क्रमांक
चयन होने के बाद चेक प्रिंट पर चेंज नहीं हो रहा है, तो इनको हम बता दें कि आप जो है जब यहाँ पे फाइनल प्रिंट कर लोगे उसके 3 दिन बाद, आप 2 दिन बाद, 1 दिन बाद करेक्शन आता है, उसमें करेक्शन कर सकते हैं रितनेश कुमार जी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब मारो। अगला आप लोगों को क्यू एन ए रिलेटेड वीडियो आगे मिलेगा। सो दोस्तों यहाँ पे आई होप आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।